भाई साहब। और फिर अचानक से ब्लैकआउट, मेरी आंखें सीधा एम्बुलेंस में खुली, एम्बुलेंस के बाद फिर मैं बेहोश, फिर मेरी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। गुड मॉर्निंग, ओके बाय तो आज भी मुझे 3 घंटे लगे हैं। नो मैटर व्हाट, मैं कितना भी ट्राई करूं टाइम ज्यादा लग रहा है, जबकि मैं फोन फान कुछ नहीं यूज करता हूँ इस बीच। बट चलो कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा भाई। जब 1.5 से 2 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब 1 घंटे में व्लॉग एडिट और 2 घंटे में अपना अपलोड, मजा आ जाएगा। एनीवे अभी फटाफट से करते हैं इसे एक्सपोर्ट, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो अपलोड पे लगा दिए, 10 बजे तक हो जाएगा। 16 साल पहले है ब्लॉग का नाम, थंबनेल कुछ ऐसा है, जिस किसी ने नहीं देखा तो देख लेना भाई, बढ़िया ब्लॉग है। बट एनीवे ये जब तक हो रहा है तब तक हम बाकी के काम निपटाते हैं, इसको नीचे रख के आते हैं। आज बिशन भाई नहीं आने वाले, अभी पोछ पाछ के कपड़े पहन के आऊंगा तब कर दूंगा। ओके सर, ओके सर, बाय, ओके बाय। बंद करते हैं भाई दरवाजा। यार मैं नहा रहा था, मतलब एकदम ऑलमोस्ट नहा ही चुका था, इतनी देर में डैड ने बोला था दरवाजा लगा दे यार, आज वो जो बिशन भाई आते ना काम करने, वो नहीं आने वाले आज। हो गया भाई, अपना वीडियो अपलोड हो चुका है, अब नीचे गेट वगैरह बंद करके आते हैं अच्छे से, उसके बाद खोलेंगे ज़ारा का पैकेज और अपना ये टैटू भी ज़रा धो के आते हैं आरओ के पानी से। आज बिशन भैया तो आने वाले नहीं है, तो थोड़ा सा ये बाहर बाहर का ना साफ करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यार। रात को इधर अपना भूरी सोता है उस कारपेट के ऊपर जो मैंने अभी हटाया यहाँ से, उसकी भी धूल धक्कड़ रहती है थोड़ी बहुत। ये भी हो गया तो रेडी, चलो अब ज़रा अनबॉक्स करते हैं अपने ज़ारा के इस पैकेज को। भाई ज़ारा का भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भाई बहुत सही रहता है। ये देख रहे हो, ये एक्सपीरियंस ना यार अच्छा लगता है, मतलब भले ही इस चीज़ से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऐसे ही फाड़ के खोलता हूँ, बट स्टिल फ़र्क पड़ता है। तो यार ये रही अपनी टी शर्ट नंबर 1, ये रही भाई अपनी टी शर्ट नंबर 2, और ये रही भाई अपनी एक जीन्स, स्किनी फिट जीन्स। ये तो है भाई अपना मिकी माउस डिज्नी के साथ इनका कोलैबोरेशन ज़ारा का, देखो भाई कुछ ऐसी, अभी पहन के दिखाते हैं। ये प्रिंट भी भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था, साथ ही साथ ही कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था, थोड़ा सा बीज साइड में, बट ऐसा कलर यूजुअली मिलता नहीं है। प्रिंट देख के और मटेरियल देख के भाई मेरा दिल खुश हो गया ऑलरेडी, अब फटाफट से पहन के देखो। स्किनी फिट जीन्स ले लिए, आप लोगों को याद होगा मेरे पास एक और जीन्स थी स्किनी फिट, वो एक्चुअली ख़राब हो चुकी है। फर्स्ट लुक में ना बहुत ही ज़्यादा टाइट लगने वाली है, बट आई नो ज़ारा का स्किनी फिट कैसा है, इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा, बट धीरे धीरे आपकी स्किन के साथ ये ढहता जाएगा भाई, बहुत ही प्यारा लगता है ये बाद में। हो भाई साहब, जरा ये प्रिंट देखो, ये कलर देखो और ये फिटिंग देख रहे हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इमर्ज प्रिंट है, मतलब एम्ब्रॉयडरी टाइप है, वो भी ऐसे कर रखी है कि कलर उससे बाहर आ रहा है, मतलब फ्री हैंड, तो फ्री हैंड वाला कर रखा है। हाँ अभी पूरा का पूरा सेम वैसे ही एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब बस इसे धोने का प्रोसीजर देखना पड़ेगा, कहीं मशीन में धोई और ख़राब हो गई पूरी पूरी, बट भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे ये प्रिंट प्लस ये कलर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, और ये टैटू के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके पीछे भाई ये लिखा हुआ है रेडी फॉर न्यू इमोशंस, ये भी एक फ्री हैंड डिज़ाइन ही है। नेक थोड़ा सा टाइट है जो कि अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे, साइज मीडियम है ऑल दो, बट फिटिंग इतनी सही नहीं लग रही है मुझे इसकी, जैसे नाई के नहीं बैठते और वो ऐसा टाइट करके बांध देता है एक कपड़ा और फिर में लटकाया था। अगर आप इतना इतना देखो तो आपको ऐसे लगेगा मैं नाई के पास बैठ रहा हूँ, समझ रहे हो, इसे तो रिटर्न कराना पड़ेगा। देखो तो मैं ऐसे अपना सामान रिटर्न कराता नहीं हूँ, बट कभी कभार यार जरूरी हो जाता है, बट उस टी शर्ट से और इस जीन्स से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज मैंने अपने पुराने दोस्त की शादी में भी जाना, उसका रिसेप्शन है, बाकी फंक्शंस में मैं नहीं जा पाया, टाइम की कमी थी,
बट आज रिसेप्शन है तो आज जरूर जाएंगे और यही टी शर्ट और यही जीन्स पहन के जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया लग रही है। इसको फटाफट से कराते हैं रिटर्न। एक और टी शर्ट ऐड हो चुकी है अपने वार्डरोब में जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है यार। ऐसा प्रिंट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं पहना और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज है मेरे। रात को भाई इसको पहनेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छे से हील हो रहा है टैटू तो अपना भाई अब ये स्टार्ट कर देते हैं। ये है भाई एलियन टैटू का आफ्टर केयर लोशन और ये मैंने उसी वक्त ले लिया था जब मैंने अपना फर्स्ट टैटू करवाया था और इसका एक्सपायरी डेट 2 साल रहता है तो अभी इसमें 3 महीने बाकी हैं तो मेरा ये काम आ जाएगा भाई। फटाफट से इसे लगा लेते हैं अपने टैटू पे। ब्लैक ब्लैक मैंने धो लिया एक बारी टैटू को तो यार प्रॉपरली लगा दिया है। चलो चलते नीचे भाई। कोई मूवी नहीं आई थी, मैंने ये कृष्णा कॉटेज आ रही है देख रहा हूँ। कॉन्फिडेंस भाई साहब, मतलब उस टाइम का कॉन्फिडेंस भी मतलब वो बंदी अभी कॉलेज में सबके साथ है, उसको पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है बट फिर भी वो कॉलेज की भीड़ भाड़ को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के कहीं सुनसान जगह में आ रखी है। पता नहीं कहीं से कहीं भी जा रहे हैं बट अगेन मम्मी आने वाली है तो टाइम पास के लिए सही है। कृष्णा कॉटेज का एवर ग्रीन सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगता है गाना। देखो दिशा, दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। कौन सा है ये रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे आइकॉनिक लाइन तो रह गई, बेपनाह प्यार है तो आजा। मम्मी आ गई है, आइकॉनिक लाइन। अरे यार मैं तब से इस लाइन को वेट कर रहा हूँ, पता है लास्ट टाइम भी ये लाइन आई। हाँ मैं रिकॉर्ड कर नहीं कर रहा उस टाइम, मैंने सोचा फिर रिपीट होगी, नहीं हुई। अब मूवी के एंड में उसको आना था फिर हटा दी इन्होंने। यार हद हो गई। गेहूं के नाम के गेहूं के नाम में गेहूं के रेडी उस हिसाब से बढ़िया। और यार 8 बजने वाला है और बन्नी की शादी का आज रिसेप्शन है तो मुझे वहाँ जाना है। जो मेरे बैचमेट्स हैं वो तो नहीं आ रहे, वो अपने अपने किसी काम में बिजी हैं, बट बन्नी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था है तो मेरा जाना तो देखो बनता है यार। बाकी यहाँ अपना चेन्नई वर्सेस दिल्ली मैच स्टार्ट हो चुका है। बन्नी रोहित रावत उसकी शादी है तो बन्नी और मेरा क्या सीन रहा था स्कूल टाइम पे, वो मेरा सीनियर था 1 साल सीनियर। स्कूल टाइम पे हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, वो स्नूकर जाता था मैं भी स्नूकर जाता था कभी कभार, तो स्नूकर में हमारी बातचीत हो गई थी और स्कूल जब वो पास आउट कर गया उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद 1.5 से 2 साल इतनी तगड़ी दोस्ती रही जिसका हिसाब नहीं है। उसके बाद लेकिन मैं कॉलेज में बिजी हो गया, फिर मेरा नोएडा इंटर्नशिप वगैरह हो गया तो थोड़ा सा कट ऑफ हो गया। काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ भाई स्नूकर का, स्नूकर की वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, लिटरली बहुत अच्छे अच्छे दोस्त। इसका मतलब ये नहीं है आप जाके स्नूकर खेलने लग जाओ, जिनके साथ हम खेलते थे वो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, इसीलिए आज के डेट में वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और शौक की तरह ही स्नूकर खेलते हैं। इसमें हल्का सा लोशन और लगा देते हैं यार। वैक्स वगैरह लगा चुके हैं, बाल बन चुके हैं हमने, शू पहनते हैं और निकलते हैं फिर। YSLY उदय पफ्फा, जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि ये आजकल मेरा भाई फेवरेट हो रखा है क्योंकि मेरे लिए कुछ अलग है। ऑलमोस्ट सेम DNA के परफ्यूम्स मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बाकी सारे परफ्यूम्स में से इसका सबसे ज़्यादा अलग DNA है, एकदम अलग ही स्टैंड आउट करता है। एक्सेसरी मेरी हमेशा की तरह एक घड़ी और आज ये रिंग भी पहन के जा रहा हूँ, आज से पहले कभी भी नहीं पहनी बट इसके बिना देखते हैं, इसके बिना भी बढ़िया लग रहा है, अंगूठी रहने देते हैं। जब तक चीज़ कॉम्प्लीमेंट ना करे ना ओवरऑल आउटफिट को तब तक मत पहनो, वो थोड़ा ओवर लग रहा था। ऐसे खाली हाथ बढ़िया लग रहा है, बस एक वॉच, इधर मेरी एक रिंग रहती है, इधर मेरा ब्रेसलेट है। पीछे लेफ्ट साइड से जीन्स के अंदर मैं टी शर्ट को टक इन करके रखता हूँ, सामने से टी शर्ट की फिटिंग बढ़िया हो जाती है, ऐसा कुछ भाई। चलो आज का ओवरऑल आउटफिट अपना कुछ ऐसा है। अरे यार एक और विकेट हो गया 64/3, मैच छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। अच्छा मैं बाबा जा रहा हूँ, आता हूँ जल्दी, निकल पड़े हैं। टाइम हो रहा है 8:30, टाइम ज़्यादा हो चुका है, मतलब 9 बजे कार्ड में ही लिखा होता तो मैंने सोचा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9:15 रह गए हैं, गाड़ी पार्क करती है, चो चलते हैं। पर वेटिंग पॉइंट में तो अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था तो एक बारात दिख रही है, अब यहाँ 4-5 हैं शादियाँ, बारात होपफुली उसी की हो।
क्या हाल है बताइया। ये भाई बन्नी रोहित रावत। तो यार यहाँ पीछे सारे दोस्तों का कार्यक्रम चल रहा था तो थोड़ी देर उनके साथ खड़ा हो गया, वापसी जाता हूँ यार। टाइम हो चुका है 10 बजने वाला, 10 बजने में 10 मिनट। निकलते हैं घर, कुछ नहीं खाया, अंदर एक बार ही गया था बस न्योता लिखवाने के लिए, फिर आ गया था। बन्नी से भी मिल गया, नीरज और से भी मिल गया जो पुराने दोस्त थे, सब कुछ हो गया। हम दोनों बहुत ही ज्यादा जिगरी थे यार, बहुत ज्यादा जिगरी। और अब लगभग 2-3 सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, कभी फेस टू फेस नहीं मिले। और पहले ऐसा था यार, हमारा सुबह से लेकर शाम तक साथ रहना होता था। जिस दिन मेरा कॉलेज ऑफ होता था हम दोनों भाई साथ ही रहते थे, बहुत जिगरी। एक दिन क्या हुआ, मैं बन्नी से ही मिलने के लिए जा रहा था यहीं आईएसबीटी के पास, और मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट इतना मेजर था कि मेरे को याद भी नहीं, मेरे को नहीं पता कि कौन मेरे को पीछे से ठोक के गया, कैसे गया। मतलब एक होता है ना, मैं बाइक चला रहा हूँ और फिर अचानक से ब्लैकआउट, मेरी आंखें सीधा एम्बुलेंस में खुली। एम्बुलेंस के बाद फिर मैं बेहोश, फिर मेरी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुली। जब सब मैं सही हो गया था, मेरे पट्टी पुट्टी हो रखी है, पूरा ट्रीटमेंट हो गया, बस जब जाते टाइम होता ना तब मेरी आंखें खुली। तो तब बाद में बताया गया कि एक छोटा हाथी वाला मेरे को पीछे से ठोक के चला गया था। वो रुका भी, बट मेरी कंडीशन ऐसी थी कि वो डर के मारे भग गया। किसी को कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। और मैं क्योंकि बन्नी से ही मिलने जा रहा था तो बन्नी ने कॉल करा मुझे, और भला हो उस इंसान का जिसने मेरी जेब से फ़ोन निकाला, फ़ोन उठाया और बताया कि भाई ये बंदा यहाँ पड़ा हुआ है। तब बन्नी आया 108 लेके, बन्नी ने मुझे एम्बुलेंस में बिठाया, बन्नी मेरे को हॉस्पिटल ले गया, और फिर मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करा कि अंकल आंटी ऐसा ऐसा हो गया, आप प्लीज़ आ जाइए यहाँ। तो उस दिन बन्नी मेरे लिए फरिश्ता जैसा था, समझ रहे हो। अगर बन्नी नहीं आता तो उधर के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी मेरे से, सब वो लोग बता रहे थे, मेरे को कुछ नहीं पता। और मेरे को ये सब बातें मम्मी डैडी ने बताई कि वो लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे, कोई चांस ही नहीं था बचने का। इसी डर के मारे वो छोटा हाथी वाला भी भग गया था, बट भगवान की कृपा रही क्या रही, और ये फरिश्ता बन के आया उस दिन भाई। तो उससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत जिगरी दोस्त था मेरा, बट उस दिन के बाद से वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसके बाद से काम कुम में बिजी, और फिर ऐसी छोटी मोटी बातें, मिलता नहीं, ये नहीं वो नहीं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद हम फिर कभी ऐसा मिले ही नहीं। ऐसा नहीं कि दोस्ती नहीं रही, बट कभी वो कनेक्शन नहीं बैठा जो पहले था। बट मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है बन्नी। उस दिन लिटरली इसने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ बन्नी का, और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं बन्नी को मेरी तरफ से। वॉकिंग चल रही है, मैच के हाल चल रहे हैं, 61 पे तेरी उनकी भी यही हालत थी। जैसे अभी सलाल है मेरे लिए, वैसे ही बन्नी भी है। सलाल भी बहुत गर्म दिमाग वाला है, वैसे बन्नी भी था बहुत गर्म दिमाग वाला। बन्नी ने बहुत लोगों से झगड़ा किया मेरे चक्कर में, सेम है सलाल, सलाल ने बहुत झगड़े किए हैं मेरे चक्कर में। धोनी भाई की बैटिंग मिस हो गई यार, बट अब एक ओवर में 45 रन चाहिए जो इम्पॉसिबल है। दिल्ली के लिए बुरा रहता है, बट चलो क्या ही कर सकते हैं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा भाई। कल आराम से फ्रेश दिमाग के साथ इस ब्लॉग को उठ के एडिट करेंगे, बाकी अभी मैं सोता हूँ, 11:30 बजने वाला है, आज लेट हो गया हूँ काफी। बट आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल सुबह। चलो गुड नाइट।